अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ में मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा से कमेंट कीजिए प्लीज़। घरों में कीड़ा लगने की बड़ी प्रॉब्लम होती है और अक्सर ये जो कीड़ियाँ होती हैं ना, बाहर भी निकल आती हैं। तो इनसे हमने किस तरह से छुटकारा पाना है आपको मैं तरीका बताऊँगी, और ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। किस ले लें तो अब आपने क्या करना है, माचिस की तीलियों को ना आपने ना इस तरह से रबड़ बैंड से ना बांध लेना है। से छह माचिस की तीलियां लें, इनका बन सा बना लें इस तरह रबड़ बैंड, या आपके पास कोई भी सोल्यूशन टेप या कोई भी टेप हो। तो आपने क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम जो है ना माचिसों को इस तरह से अंदर डाल देंगे तो ये सेहत के लिए ख़राब है होगा। तो ये बिल्कुल सेहत के लिए ख़राब नहीं होगा, इससे कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। 5 से 6 माह तक आपके चावल जो है ना बिल्कुल महफूज रहेंगे। जब हम चावलों को धोते हैं तो आधा घंटे के लिए तो हम वैसे भी भिगो के रखते हैं, तो उससे ये होगा कि माचिसों का असर भी ख़त्म हो जाएगा। जब भी आप अपने चावलों को रखें तो इसी तरह पैक करके रख दें, तो माचिस के मसाले की वजह से कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस तरह से आपके 5 से 6 माह तक चावल आराम से बिल्कुल सेफ रह जाएंगे। आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको बहुत ही पसंद आई होगी। चूड़ियों से रिलेटेड ऐसे टिप शेयर करूँगी जो आपके बहुत ही काम आएगी। और आपने ये देख लेना है कि जो चूड़ियाँ हो ना वो आपके पास मेटल की हो, कांच की काम नहीं आएंगी, क्योंकि वो फिर ज़्यादा जो है ना मजबूत हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो नहीं बनेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने ज़रूर बताना है। चलिए जी, अब इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अक्सर ये होता है कि हमारी अलमारी में ना जगह बिल्कुल कम होती है, तो हमने ना हैंगर में ना जस्ट ऐसे चूड़ी लगा लेनी है। फिर जो है ना इस तरह करके ना दूसरे में भी लटकाएंगे और इसको इसके अंदर लटका देंगे, यानी कि हर हैंगर में पहले चूड़ियाँ डालते जाएं, फिर इस तरह से। फिर अगली शर्ट, अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इस तरीके से ना काफ़ी सारे कपड़े जो है ना अरेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, अब मैं आपको हैंग करके दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल कम स्पेस में अलमारी, आप जैसे घर में माशाल्लाह 6 बच्चे हैं और अलमारी बहुत छोटी है, इतनी कम स्पेस में हमने इतने सारे हैंग कर लिए। अब हम इसको हैंग करके दिखा देते हैं। अगर तो अलमारी में जगह नहीं है दरवाजे पर लटकाना हो तो देखें, 1 2 3 4 5 6 जो है ना सूट ईजिली लटकाए जा सकते हैं। इसी तरह अलमारी में भी लटकाएं तो वो भी आप देख लें। ये देखिए जी, ये इस तरह से हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। मेरी ये टिप आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगी। यहाँ देखें, हम हमेशा जो है ना लास्ट वीडियोज में हम अक्सर जो है बनाते हैं इस तरह करके, हम अपनी चूड़ियों को ना अरेंज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे अपने दुपट्टे कुछ भी लटका सकते हैं। लेकिन इस तरह का फ्लैट आपने हैंगर लेना है और इस तरह ना आपने बांधते जाना है। इसके बाद हम इस पर ढेर सारे कपड़े लटकाएंगे, ना सिर्फ प्रेस वाले, हम गीले कपड़े भी लटकाएंगे। सबसे पहले ना हम चूड़ियों को आपस में ना इस तरह से जोड़ लेते हैं ताकि हमें ना वो उसको लगाने में आसानी इस तरह से हो जाएगी। या आप मोटा धागा लीजिएगा ताकि ये खुले ना बाद में, क्योंकि अगर ये खुल जाएगा ना तो फिर ये कपड़ों का वज़न भी बर्दाश्त कर सके। 4 से 5 अगर बड़ा हैंगर होगा तो 5 चूड़ियाँ आएंगी, नहीं तो 4 तो आ ही जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से आपने बांध लेना है, अच्छे से टाइट जो है ना गांठ बांध लें। अब ये देखिए, ये हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है ना इधर जो है ना बांधेंगे। अच्छा, ये जो है हम इस तरह से बांध लेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको ऑर्गेनाइज़र बनाने में, और ये आपके ना हर बारिश में काम आने वाली चीज़ है। एक दफ़ा आप बना लेंगे, जब भी बारिश हो या सर्दियों का मौसम हो तो ज़्यादा वजनी कपड़े तो इस पर नहीं आएंगे, लेकिन लाइट कपड़े तो ईज़िली इसमें आप लटका सकते हैं। ये देखें, मैंने बहुत ही मजबूती से ये बांध लिया। इसी तरह करके ना मैं सारे बांध लूँगी। ये देखें, ये मैंने एक बांध लिया, इसी तरह मैं दूसरा बांधूंगी सारे। अच्छा, आपके सामने ये जो है ना तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे, ये बन गए। अब हमारे पास ना ये 8 यहाँ पे, इस पर ना हम जो छोटे बच्चों के कपड़े ईजिली लटका सकते हैं और कोई मसला भी नहीं होगा। ये जी, अब ये जो है ना हम इस तरह करके ना लटकाते जाएंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि हम बिल्कुल कम स्पेस में हमारे इतने सारे जो है ना बच्चों के सूट, बड़ों के भी आ सकते हैं। वो आपकी चूड़ियों पे है कि अगर आपके पास ज़्यादा मजबूत चूड़ियाँ हैं तो आप ज़्यादा ही
इसमें ड्रेस जो है ना लटका सकते हैं। तो जी यहाँ पे भी हमने ये काफ़ी सारे लटका लिया। देखिए अगर बारिश होगी तो भी कोई मसला नहीं होगा, हम आराम से जो है ना ये पूरा का पूरा हैंगर, ये देखिए एक हैंगर में कितने माशाल्लाह हमारे काम कर दिखाया। अगर हम गीले कपड़ों को लटकाएंगे तो भी आसानी से हमारे कपड़े लटक सकते हैं, और अगर हम जो है ना अलमारी में लटकाना चाहें तो कितनी स्पेस बच जाएगी। तो ये टिप कैसी लगी आपने ज़रूर बताना, और वीडियो सर से भी अच्छी लगे ना तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा अगली टिप जो है ना मेरी नमक के हवाले से है। अगर बरसात के मौसम में ना नमक ना इस तरह ढेलियाँ सी बन जाती है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह ढेलियाँ। और अगर हम ये मक्का पहाड़ जो है ना अगर हम उठा के इसी तरह सालन में डालें बगैर मेजरमेंट किए तो हमारी सालन में बहुत ज़्यादा नमक डल जाता है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, जब हम रोटियाँ बना लेते हैं ना तो स्पेशली गर्म करना, तवा गर्म होता है ना उस पर हम इसको करेंगे गर्म, उससे इसकी नमी टोटली ख़त्म हो जाएगी और ये ढेलिया जो है ना ये बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी। तो चलिए अभी मैंने रोटी बनाई थी तो मैंने कहा चलिए ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको भी दिखा दूँ। तवा गर्म था, अभी आखिरी मेरी रोटी बनी है इसमें ला बनानी। तो अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे ना चम्मच से प्रेस करेंगे, ये देखिए आसानी से नहीं प्रेस हो रही, ये जो ढेलियाँ बन जाती है ना इसको ये थोड़ा सा यानी कि दबाना पड़ता है, तो ये फौरन से इसकी जो है ना नमी ख़त्म हो जाती है। बस एक से दो मिनट हमने ना इसी तरह इसको ना सेक लेना है, लेकिन हमने तवा नहीं जलाना है, हम तवा जलाएंगे तो नमक का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जस्ट आपने रोटियाँ जब बना ली भी होती है आग जब हम बंद कर लेते हैं तवा गर्म ही होता है ना, एक से दो मिनट हम इस तरह से ना अच्छे से मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे ये बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में आ चुका होगा। और बरसात के मौसम में ये हर घर में ये मसला होता है, तो आप इसी तरह से ना इसको वापस ला सकते हैं। तो ये कैसी लगी आप हमें बताइएगा। तो जी ये ढेलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है ना, अब हम इसको बस निकाल लेंगे और वापस डाल देंगे। अच्छा मेडिसिंस हर घर में आती हैं, तो अक्सर ये होता है कि हमें ना बिल्कुल भी बात भूल जाती है कि ये जो सस्पेंशन और सस्पेंशन होती है ना जिसको हमने पानी डाल के तैयार करना होता है, तो हम बिल्कुल से भूल जाते हैं कि हमने इसको किस दिन तैयार किया था। तो बहुत ही आसान तरीका है, जिस दिन ये दवाई आई होती है ना, जैसे कि आज डेट है 21, तो अगर फर्स्ट आज हमने ये दवाई बनाई है तो हम इसकी डेट लिख लेंगे 21 को हमने जो है ना इसको बनाया है, और जो है ना इसके कितने दिन का अक्सर में लिखा होता है कि 14 दिन में आप ला सकते हैं अगर हम फ्रिज में रखें, नहीं तो 7 डेज़। तो 21 से ना इसमें हम प्लस कर लेंगे 7 डेज़ को, तो ये 28 तक है, यानी 7 दिनों तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर ये होता है अक्सर माएँ भूल जाती हैं कि किस दिन हम बनाया हमने बनाई थी दवाई, और बड़ी ही परेशानी का सामना होता है। तो ये उन माओं के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। और इसी तरह जो हमारे पास मज़ीद और दवाइयाँ होती हैं, और जहाँ में कोई बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं उन्होंने अपनी मेडिसिन लेनी होती है, तो एक्सपायरी डेट ना बहुत ही इस तरह से कम छोटी छोटी राइटिंग में लिखी होती है जो हमें दिखाई भी नहीं देती, तो उसकी डेट भी आप देखें इसकी, जैसे कि है 17 मार्च 2026 है। तो इससे ये होता है कि बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अपनी दवाएँ उन्होंने खुद भी उन्होंने पीनी होती है तो उनको पता नहीं होता, तो अगर हम इस तरह से डेट मेंशन कर लेंगे ना तो उसका ये फ़ायदा होगा कि कभी भी किसी की कोई भी दवाई को पीने का ना ये नहीं होगा कि हमें एक्सपायर तो नहीं पी ली। तो इस तरीके से हमारा जो है ना काफ़ी यानी कि फ़ायदा हो जाता है। आई होप आपको ये टिप मेरी बहुत यूज़फुल लगी होगी।